व्यास जी बोलते हैं, अवश्यम सा तो कर्तव्या यतो बहुफला माता, गुरु शिष्य अवभाव त्राप्तिति शुद्ध भाव अपेक्षितो। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, धीरे धीरे कथा समाप्त हो रही है बेटा, अंतिम बात तुझसे कहता हूं। व्यास जी ने कहा अवश्यम सा तो कर्तव्या यतो, दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, ऐसा व्यास जी कह रहे हैं। अब दीक्षा की बात आई है, ये जो हम गुरु दीक्षा लेते हैं ना, किसी को गुरु बनाते हैं तो दीक्षा लेते हैं, तो व्यास जी कहते हैं दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि यह अनेक फल प्रदान करने वाली है। इस दीक्षा ग्रहण कार्य में गुरु और शिष्य दोनों ही अत्यंत शुद्ध भाव के होना चाहिए। दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, मैं नहीं कहता, ग्रंथ कह रहा है। कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जिससे आप कोई मंत्र दीक्षा लो, और इसीलिए हम कहते हैं कोई गुरु ना हो तो हनुमान जी को गुरु बना लो, आज सुबह हमने दी। और अगर आप ना ले पाए हो तो मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, किसी मंदिर में जाना, थोड़ा गंगा जल छिड़क लेना और हनुमान चालीसा हनुमान जी को देखते हुए बोल देना, तो मंत्र हो गई आपके लिए, यही आपका। छोड़ो ना, आप कोई मिले जब मिले, हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, बस फिर देखिए, क्योंकि हनुमान जी तो जीवित देवता। और एक बार अगर आपने वो मंत्र जप लिया, जितना अधिक गुरु मंत्र जपेंगे गुरु उतना ही आपके निकट होंगे। बड़ी ताकत होती भैया, मैं नहीं कह रहा, व्यास जी जन्मेजय को बता रहे हैं, ग्रंथ हमको बता रहा है। अवश्यम सा तु कर्तव्या यतो भलु भरा मदा, दीक्षा तो लेना ही चाहिए। जिसको तलाश हो शांति की, जिसको तलाश हो परमात्मा की, जो अलौकिक पारलौकिक मार्ग पे जाना चाहता हो, जो आत्मा से परिचय करना चाहता हो, उसको पास मंत्र होना चाहिए, और वो मंत्र निरंतर जपे जो गुरु द्वारा दिया गया हो।